हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम दुमका स्टेशन पे हैं और यहाँ पे एक्चुअली आए हैं, यहाँ से हमें कहीं चलना है। आप देख सकते हो हमारे पीछे ट्रेन है, यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर में दूर जाना है दोस्तों। और संडे का दिन है, आप लोगों को पता ही कि संडे के दिन में हम लोग कहीं ना कहीं निकलते हैं घूमने के लिए, तो उसी में हम लोग आए हुए हैं। आज हमारे साथ दो शख्स जा रहे हैं, एक से आप पहले मुलाकात कर चुके हैं, अजय है और ये मानिक है। हाय कर दो भाई। तो ये दोनों भी हमारे दोस्त हैं, तो आज ये हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा और इस जर्नी को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं भाई, उन सबों का बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट का अभी भी बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही सपोर्ट अपने भाई पे बनाते रहो, ठीक है। एंड वीडियो पे मिलते हैं बीच में। हे गाइस, अभी ट्रेन रुकी हुई है, अभी हम जस्ट बासुकीनाथ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए रुकती है। देखो काफ़ी बड़ा स्टेशन है और काफ़ी लोग भी उतरते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक मंदिर है बासुकीनाथ के नाम से ही, तो काफ़ी फेमस है दोस्तों। देख सकते ट्रेन गाड़ी के हॉर्न बज चुकी है, तो हम लोग फिर अब गाड़ी में दोबारा चलते हैं। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वो जगह, हमारे पीछे देख सकते हो बस ये जंक्शन है। इस जंक्शन से हम लोग अभी बाहर आए हैं, तो दिखाते हैं वो कौन सा जंक्शन है। देख सकते हो काफ़ी लोग उतरे हैं। तो ये जो जगह है दोस्तों, हम लोग देवघर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें चलना है बाबा धाम, यानी मंदिर चलना है हमें। सबसे बड़ा बात है ये जो बनाया गया स्टेशन में, स्टेशन पर ही मंदिर सा गुंबद टाइप का बना दिया गया, देख रहे हो ना, जो काफ़ी आकर्षक से लगता है दोस्तों। और साफ़ सफाई की बात करें तो देखो स्टेशन के पास वैसे साफ़ सफाई रहता नहीं है, बट इस स्टेशन में देखो कितना साफ़ सफाई नज़र आ रहा है, सफाई को काफ़ी ध्यान रखा गया है। फ़ोटो पकड़ते हैं और मंदिर की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे हम लोगों को पता नहीं है कि कितना चार्ज लगता है, और क्योंकि ये हम लोग को दिक्कत भी हो रहा है, तो चलते हैं पूछते हैं ऑटो वाले से कितना लगता है। मंदिर जाना है भाई, कितना रुपया? 20 रुपया सवारी है। 20 रुपये सवारी है, मंदिर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम उतर चुके हैं पंडित श्री राम झा चौक पे, ये देख सकते हो। तो यहीं पे ऑटो रुक रहा है दोस्तों, क्योंकि आगे अभी काफ़ी बोला जा रहा है कि नहीं जा सकते हैं। कारण है कि क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ हो रहा है, जिसके लिए आपको यहीं पर रोक दिया गया है। शिवरात्रि के अवसर पे ये सारा कुछ बनाया जा रहा है। आप सबों को पता ही होगा कि 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, जो खासकर ये देवघर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आप लोग आइए ज़रूर यहाँ पे, मतलब ये जगह आने में ना एक अलग ही खुशी हो रहा है दोस्तों, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब एक मज़ा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये ऐसे जगह जा रहा है जहाँ पे जब भी आप कभी टेंशन में हो, परेशानी में हो, आप ऐसे जगह पे बिल्कुल आइए और जगह का आनंद लीजिए, और दिल और दिमाग को शांत रख करके अपने कामों में फोकस कीजिए। तो ऐसी जगहों में करीब कभी कभी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सच कि हम लोग जिस जगह पे पहुँच रहे हैं वहाँ से काफ़ी श्रद्धालु लोग जुड़ रहे हैं, देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा सा नज़ारा लग रहा है दोस्तों, तो मुझे भी लग रहा है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देख रहे हो झंकारा बोलबम का कितना शानदार आवाज़ लग रहा है, सबों का एक स्वर में आवाज़ चल रहा है दोस्तों, बोलबम बोलबम। तो एक काफ़ी एनर्जेटिक फील करा रहा है। आप बिल्कुल इस जगह पे आइए, जो लोग यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे बिल्कुल आइए, आपको काफ़ी अच्छा अनुभव लगेगा, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं दोस्तों, इतने खुशी लग रही है ना। तो
तो ये काफ़ी अच्छा सुविधा लगाया गया है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे आप चप्पल जूता रख सकते हो, ₹5 चार्ज है आपका चप्पल जूता रखा हुआ रहेगा यहाँ पे। एंड काफ़ी अच्छा बारिश पड़ रही है, देख सकते हो सभी लोग भीग रहे हैं, तो पानी पानी पड़ रहा है। मेरा नाम अमित कुमार है। ये झारखंड सरकार द्वारा निर्गत कूपन है, ₹250 शुल्क लेते हैं झारखंड सरकार सुविधा यात्रियों को सुविधा देने के लिए, ताकि उनको जल्दी से पूजा हो जाए। लेकिन आज भीड़ के दिन में उसमें भी 2-3 घंटे लग रहे हैं, जनरल लाइन से बहुत समय लगते हैं, 6-7 घंटे लगते हैं। तो यही सिस्टम है।